प्रदेश में पार्टी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में जोर जोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक तंवर ने फतेहाबाद के बरसीन गांव में प्रचार किया और इस दौरान तंवर ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटें जीतेगी। साथ ही तंवर ने यह भी कहा कि 6 मई यानी कि कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भिवानी और 9 मई को सिरसा का दौरा करेंगे। तंवर ने कहा कि प्रियंका गांधी के दौरे भी फाइनल हो चुके हैं। वहीं बीजेपी नेताओं के विरोध पर तंवर ने कहा कि बीजेपी के नेता विरोध के लायक ही हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अशोक तंवर जी, इनसे कुछ राजनीतिक बातें जानते हैं। अशोक जी आपका स्वागत है। मेरा साधु संत जैसा स्वभाव है, वैसे राजनीतिक बात कर रहे हो तो धर्म कोई बात नहीं। आप सबसे पहले ये बताइए कि हरियाणा में कांग्रेस कितनी सीटें जीतने वाली है? हरियाणा में कांग्रेस 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। 11वीं सीट जो चंडीगढ़ की है, जिसमें आधी भागीदारी हिस्सेदारी हमारी है, उस सीट को भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। आज पूरी कांग्रेस की लहर बन चुकी है हरियाणा के अंदर। कल राहुल जी गुड़गावा आए थे, कल फिर 6 तारीख को भिवानी आएंगे, 9 तारीख को सिरसा आएंगे, प्रियंका जी के दौरे वो फाइनल हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी, हमारे जो MLA MP XML MP वो सब, और ग्रास रूट का कार्यकर्ता जनता का सहयोग लेकर के पूरी मुस्तैदी से जो विपक्ष की भूमिका हमने निभाई थी, अब जब नतीजे आएंगे तो उसमें बदलते हुए दिखाएंगे। सर, हरियाणा में प्रदेशाध्यक्ष से लेकर और सभी उम्मीदवारों का जगह जगह भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? विरोध तो इसीलिए हो रहा है, ये विरोध करने लायक है, क्योंकि ये लायक नहीं है, नालायक है। नालायक नहीं है, खलनायक है। देश की राजनीति में खलनायक की भूमिका निभाने का काम वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। अब जब वायदे पूरे नहीं करेंगे, लोग जवाब मांगेंगे, छाप मांगेंगे। अब मोदी जी भी आएंगे तो उनसे भी पूछेंगे, बता रहे हैं 8 तारीख को आएंगे, तो हम तो यही कहेंगे कि पिछली बार मोदी जी आपने रैली कैंसिल कर दी थी, है सेटिंग कर गया था ये भाजपा NLO अकाली दल सबकी सेटिंग हो रही थी, इस बार सेटिंग ना करियो, आइयो और हमारे इलाके के लोगों के सवालों का जवाब जरूर दियो। ये थे डॉक्टर अशोक तंवर जी, कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा के लिए। सुप्रीम लंबोरिया, धन्यवाद।